जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिंपल शर्मा, आप देख रहे हैं भविष्य बोध 24 मई 2023 दिन बुधवार। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर बच्चों में एकाग्रता नहीं आ रही है पढ़ाई करते समय, साथ ही साथ अगर बच्चा जिद्दी होता जा रहा है या बच्चों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ गई है, तो ऐसे कौन से छोटे छोटे आप उपाय कर सकते हैं ताकि उनकी एकाग्रता बढ़ जाए और झूठ बोलने की प्रवृत्ति कम हो जाए। लेकिन ये उपाय मैं आपको बताऊंगी, पहले आपके दैनिक राशिफल जान लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए आज क्या है। मेष राशि वाले, हर क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिख रही है। आज का दिन आपका बेहतरीन गुजरता हुआ दिख रहा है। अब हम वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वाले, रुका हुआ पैसा आता हुआ दिख रहा है, साथ ही साथ कोई संतान संबंधी समस्या आपकी खत्म होती हुई दिख रही है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले कहते हैं ना, आज लक आपका साथ देगा, जो भी कार्य करोगे सफलता आपके कदम चूमेगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले, यात्रा के योग बने हुए, मानसिक तौर पे आप बहुत संतुलित होते हुए दिख रहे हो और बहुत जल्दी आज विचलित नहीं होने वाले हैं और कार्य आपके बनते चले जाएंगे। सिंह राशि वाले, देखिए आपके लिए क्या है। सिंह राशि वाले, किसी को भी बोलते समय थोड़ा सा धैर्य रखें तो अच्छा रहेगा। किसी का भी आज दिल ना दुखाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले, थोड़े से मन अनमना सा हो सकता है, गुस्सा थोड़ा सा हावी हो सकता है, इससे आपकी सेहत में असर पड़ेगा, तो कोशिश करिए गुस्सा ना करिए। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले, पारिवारिक स्थितियां बिगड़ सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से आपके कोर्ट केसेस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले आज बहुत बैलेंस्ड रहने वाले हैं और चीज़ें आपकी संतुलित होती हुई दिख रही है, यहाँ तक कि कार्य क्षेत्र में बढ़ाव पॉजिटिविटी की ओर आपको लेके जा रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आज आपका बहुत हाई रहने वाला है। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले, आपका कार्य बढ़ता हुआ दिख रहा है, कोई नवीन कार्य प्रारंभ करते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है ये कार्य आपको देश विदेश तक आपकी ख्याति फैला दे, जो आप सोच रहे हैं उसको क्रियान्वयन जरूर करिएगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले कुछ थके हुए दिख रहे हैं, ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा सेहत दिक्कत देगी, तो आप सेहत का आज ध्यान रखना पड़ेगा। कुंभ राशि वाले की बात करते हैं। कुंभ राशि वाले, आज का दिन आपका बेहतरीन गेट टुगेदर में गुजरने वाला है, साथ ही साथ फैमिली में कुछ हो सकता है, आपके मांगलिक कार्य हो जाए। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उनको सफलता मिलती हुई दिख रही है, साथ ही साथ इंटरव्यू जिन्होंने दिए हैं उनको आज सफलता ज़रूर हासिल होगी। ये तो था आपका दैनिक राशिफल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चों में जिद ज़्यादा आ चुकी है या झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो रही है या एकाग्रता नहीं बढ़ रही, तो आज आप कौन से उपाय आपको करने हैं। बच्चे की जो स्टडी टेबल है, जहां बच्चा पढ़ता है, उस टेबल में आप एक चांदी की कटोरी में जल भर के रखिए, तो उससे उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। अगर चांदी की कटोरी में जल नहीं भर सकते, तो आप स्टील की कटोरी ले सकते हैं, उसमें आप जल भर के रखिए, उसमें आप चांदी का छल्ला डाल दीजिए या चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल दीजिए, तो भी वो वही कार्य करेगा। ऐसे में बच्चों की स्टडी के प्रति एकाग्रता बढ़ेगी और उनका कहते हैं ना स्मरण शक्ति भी और साथ ही साथ बढ़ेगी। दूसरा उपाय, अगर बच्चा जिद्दी हो गया है तो आपको क्या करना है। पंखे से आप मोर पंख बांध दीजिए, ताकि जब भी आप पंखा चालू करेंगे वो मोर पंख भी घूमेगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि बच्चे में जो जिद्द की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चा झूठ बोलने लग गया है तो आप क्या करोगे। बच्चा अगर आपका झूठ बोलता है तो आपको क्या करना है, बच्चे के मस्तिष्क में रोज केसर या हल्दी का आप तिलक लगाइए, साथ ही साथ भतूरे की पेड़ जो होता है उसकी जड़ बच्चे की आपको सिरहाने रखनी है और वो रखे रहने दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी धीरे धीरे झूठ बोलने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। ये छोटे छोटे उपाय आप अपना के अपने बच्चों को सुदृढ़ बना सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी। मेहरबान कदरदान साहिबान, ये है IIFL फाइनेंस का गोल्ड लोन मेला मेरी जान। यहाँ जो भी आएगा छप्पड़ फाड़ के ले जाएगा।
यही है सीधी बात जनाब। सिर्फ बोलो नहीं, एक नई कार या कुछ और भी शानदार ले जाएगा। आ गया है IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन मेला, क्योंकि यहाँ सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, खुशियाँ बढ़ती है। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।